क्या नाम है आपका? अन्नू एलियास सबीना परवीन। सबीना परवीन। अच्छा, पापा का नाम क्या है? समीम अंसारी। समीम अंसारी। अच्छा, आपका गांव कहाँ से है? झारखंड। कहाँ पे पूरा पता बताना। झारखंड बुलिया ब्लॉक। हैं? झारखंड बुलिया ब्लॉक, झारखंड बुलिया ब्लॉक, हाउस नंबर 100। अच्छा, आज आप कहाँ पे आई हो? मैं दिल्ली आई हूँ, मेपालपुर होटल में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे होटल में कुछ सबूत इकट्ठे करने थे। एक मिनट, आपके पहले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है ये बताओ। सर, मेरे साथ एक लड़का है उदयपुर का, राजेंद्र। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? राजेंद्र उर्फ राजू। राजेंद्र फराजू। उसके पापा का नाम क्या है? बाबूलाल डांगी। बाबूलाल डांगीर। अच्छा, उनका एड्रेस क्या है? उदयपुर कच्ची बस्ती कडेचा। कडेचा में। अच्छा, उसका फुल। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? कब आई थी उसके साथ तुम दिल्ली? 7 अक्टूबर को मैं आई थी, 2019। 7 अक्टूबर 2019 को आई थी? हाँ, दिल्ली। अच्छा, उसके साथ आई थी। हाँ, और फिर मेपालपुर होटल में रुके थे हम 2 महीने। कौन से होटल में? होटल का नाम बताना। मेपालपुर में एरोफ्लाई होटल है, उसमें रुके थे। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रुके थे? हम 10 अक्टूबर से वहाँ पे नवंबर 16 तक रुके थे। नवंबर 16 था, यानी पूरे 2 महीने रुके थे वहाँ पे। हाँ, पूरे 2 महीने। अच्छा, उसके बाद में फिर 2 महीने होटल में रही। हाँ। जब ये बच्चा हुआ था? नहीं हुआ था तुम्हारे? नहीं, जब ये बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद तो तुमने शादी कर ली थी? नहीं करी थी? नहीं, उसने बोला था शादी करूंगा, लेकिन उसने शादी नहीं किया। अच्छा, फिर तुम कहाँ चले गए थे? फिर हम 17 नवंबर को बेंगलोर चले गए। इसने बोला बेंगलोर में काम है, वहाँ पे मैं काम करूंगा, तो तुम मेरे साथ ही रहना। अच्छा, इसकी नौकरी लगी थी वहाँ पे? इसके मम्मी पापा सब थे बेंगलोर में। हाँ। अच्छा, ठीक है। और फिर बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पे भी हम होटल में ही रुके थे। होटल में रुके थे वहाँ पे? हाँ, कितने महीने? होटल कौन सा होटल में रुके थे वहाँ पे? वहाँ पे मैं रुकी थी, ओयो का होटल था। हाँ। जेपी नगर में। अच्छा, बेंगलोर जेपी नगर में होटल था ओयो का, उसमें हम रुके थे 3 महीने। 3 महीने रुके थे? तो तुमने शादी क्यों नहीं करी थी उससे? उसने बोला था मैं शादी करूंगा बेंगलोर जा करके, लेकिन उसने शादी नहीं करी। फिर उसने मुझे बच्चे के लिए फोर्स किया कि पहले बच्चा कर लेते हैं, फिर मेरे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। पर उसने शादी नहीं करी उस दौरान। तो ये बच्चा कब हुआ था तुम्हारे? ये सितंबर 2020 में हुआ था, 20 सितंबर। तो तब वो वहाँ पे था? नहीं, जब बच्चा होने का टाइम आया तब भी वो मुझे छोड़ के भाग गया। उसका कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ की? क्या नाम क्या क्या बताया उसका? राजेंद्र उर्फ राजू डांगी। ये कहाँ का रहने वाला है? ये उदयपुर का रहने वाला है। उदयपुर का रहने वाला। दिखाना फोटो जरा कोई, इसकी फोटो तो। ये फोटो है इसकी। दिखाओ। जब हम मेपालपुर होटल में रहे। एक बार मेपालपुर होटल में। ये तुम ही हो उसके साथ में? हाँ, ये मैं हूँ और ये वो है। अच्छा, और अब वो क्या आप कह रहे हो, अब अभी कहाँ है वो इस समय? अभी वो उदयपुर चला गया, उसके मम्मी पापा उसको उदयपुर लेकर के गए हैं और उसकी शादी करवा रहे हैं। कपी शादी? 27 मई। कौन सी? यही 27 मई 2021 में? 27 मई की। किसके साथ शादी करा रहे हैं? उसकी लड़की के साथ है। हाँ, इसके साथ। इस लड़की के साथ शादी कर रही है। क्या नाम है लड़की का? दिव्या। दिव्या, इसके साथ शादी होने वाली है? हाँ, इसके मम्मी ने बोला है कि हम समाज की लड़की से शादी करवाएंगे और इसी लड़की से शादी करवाएंगे। तो ये बच्चा, ये जो बच्चा आपके पास, ये किसका बच्चा है? ये उसी का बच्चा है। उसी का बच्चा है। तो अब आप क्या चाहती हो समाज से? सर, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे, अब तो मेरा बच्चा हो गया तो मैं तो अब कुछ कर नहीं सकती हूँ। हाँ। तो मैं उसके ऊपर केस करना चाहती हूँ 376 का और धोखाधड़ी का। धोखाधड़ी में कौन कौन साथ है? उसके मम्मी पापा साथ में? हाँ, उसके मम्मी। क्या नाम है उसकी मम्मी का? क्या नाम है उसकी मम्मी का? नाम बेनकी बाई है। पापा का नाम बाबूलाल डांगी। क्या काम करते हैं वो वहाँ पे? किसी कलेक्टर के ऑफिस में जॉब करते हैं। कलेक्टर ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसके पापा? हाँ। कहाँ पे? उदयपुर में। हाँ। अच्छा, और उसकी मम्मी क्या काम करती है? उसकी मम्मी कुछ नहीं, हाउस वाइफ है, घर में रहती है। अच्छा, तो आप क्या केस करना चाहिए यहाँ पे दिल्ली में? कहाँ पे आए हो आप इस समय? मैं मेपालपुर आई हुई हूँ होटल में। जो होटल में हमारी एंट्री हुई थी वो सब मुझे दिखाना है थाने में। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग ले ली आपने? सारे सबूत सारे ले लिए? हाँ, वो सारे। अब आप क्या करना चाहती हो आप? अब मैं इसके ऊपर केस करना चाहती हूँ। अच्छा, आप केस करना चाहते हो किसके ऊपर? राजू उसके ऊपर? राजेंद्र के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर केस करना चाहती हो? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर है? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर। क्या नंबर तुम्हारा मोबाइल? 9380। आराम से क्या? 9380938 3685। अगर कोई आपके इस पे बात करे तो आप बात कर लोगी ना? हाँ, है? ठीक है। तो आपकी ये वीडियो वायरल कर दें आपकी? हाँ, ये वीडियो वायरल कर दो, क्योंकि 27 तारीख को वो शादी कर रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो शादी करे। अच्छा, वो शादी रुकवाई जाए आपकी? हाँ, वो शादी उदयपुर में। कौन सी जगह उदयपुर में हो रही है शादी? कच्ची बस्ती में है। कच्ची बस्ती कहाँ पे? कडेचा। कडेचा में है ये? हाँ, उदयपुर में। हाँ। कोई नियर बाय कोई और? नियर बाय तो पता नहीं है इतना, मतलब आधार कार्ड में वैसे पूरा प्रूफ है उसका। अच्छा, उसका आधार कार्ड आपके पास? आधार कार्ड है। अच्छा, आपका आधार कार्ड भी आपके पास? अच्छा, उसका कोई फ़ोन नंबर है आपके पास? हाँ, फ़ोन नंबर। क्या नंबर है? फ़ोन नंबर से बताना। एक मिनट।
फ़ोन नंबर दो उसका, उसके घर वालों का भी फ़ोन नंबर है, मम्मी पापा का और उसका भी फ़ोन नंबर, उसका नंबर दो पहले आप इसमें। एट नाइन डबल फाइव, किसका नंबर है ये? राजेंद्र का। एट नाइन डबल फाइव डबल फाइव डबल सिक्स डबल सिक्स टू फोर टू फोर नाइन सिक्स नाइन सिक्स। अच्छा इसका नंबर है। हाँ। अच्छा और उसके घर वालों का नंबर है कोई? हाँ इसके पापा का नंबर है। हाँ किस लड़की से शादी कर रहा है ये? दिव्या नाम की लड़की से, जो मैंने फोटो अभी दिखाया था उसी। अच्छा। लड़की से। क्या नंबर? किसके नंबर ये? राजेंद्र के पापा का। क्या नाम है? नाइन एट नाइन एट टू नाइन टू नाइन टू सेवन टू सेवन एट सेवन एट सेवन थ्री एट थ्री एट। तो आप ये कमिश्नर ऑफिस में आ जाइए, ये कल कंप्लेंट दोगे ना? आज हाँ, तो संडे है, आज तेईस आज तेईस सबूत लेकर मई, हाँ तेईस मई 2021 हो गई। हाँ। कल आप कमिश्नर ऑफिस में दोगे। हाँ। तो आप चाहते हैं ये मैं व्हाट्सएप कर दूँ आपका ये वायरल? हाँ, कर दूँ ये वीडियो वायरल करूँ। दोस्तों मैं गौरीशंकर बैरवा एडवोकेट साकेत कोट दिल्ली से। ये लड़की क्या नाम बताया बेटा आपका? अन्नू अलिया सबीना आई हुई है और इसका इसके साथ जो फ्रॉड किया है किसी राजिंदर नांग ने, वो इस समय 27 तारीख को उदयपुर में शादी कर रहा है। तो जिस किसी भाई को भी अगर ये मैसेज हो ये व्हाट्सएप हो वहाँ तक पहुँचाए और वो शादी रुकवाई जाए, क्योंकि इसके एक बच्चा है। कितने साल का बच्चा है बेटा ये? 8 महीने का बच्चा है ये। तो इसके साथ में ये इस समय आई हुई है, ठीक है ना? तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दे। जय भीम। ठीक है बेटा, ये कर देते हैं हम लोग, आ जाओ।